सिटी 91.1 एफएम से मेरा नाम आरजे यूवी है वेयर इन द दिल्ली स्टूडियोज एंड विद मी देखो ऐसा है कि पंजाब आज बंगाल से मिल रहा है थोड़ी थोड़ी विकी डोनर की आपको झलक आएगी बट इट इज गोना बी इट इज गोना बी ब्यूटीफुल व्हेन इट कम्स टू आर्ट melodies एंड सिंगिंग समथिंग दैट वी पंजाबीज आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर अंतरा मित्रा देन ऑन माय कबी सीट वेलकम टू रेडियो सिटी हाय That Vicky डोनर रेफरेंस was really funny. I just remembered that whole Ayushman <laughs> <laughs> Kurana situation. but uh, i have a same uh, combination in my family mm -hmm. which is the opposite mm -hmm. we have a sardani in our family wow so my chachi is a sardani from delhi wow <laughs> she's yeah. raki bedi and now she's raki mitra

when i was young mm -hmm. and half of my family lives in delhi they still wow. do wow. like my father's side family bade papa and everybody they're still in mm -hmm. so i have cousins live mm -hmm. they're living in <laughs> part mein? Nahin, nahin, i know <laughs> that is exactly how everyone but you will be surprised

सबसे अच्छा खाना बनाता है पूरे देश में दैट आई टेलिंग यू बेस्ट फूड एंड आई मीन राइटफुली सो इट्स कैपिटल सिटी ऑफ आर कंट्री बट दिल्ली ऐसा खाना दिल्ली जैसा पालक पत्ता चाट दिल्ली जैसा मुझे अभी मुंह में वाले आ रहा है अच्छा चलो अब आपने हमारी दिल्ली की तारीफ कर दी है तो मैं एक तारीफ करता हूँ ये बंगाल की मिट्टी में ऐसा क्या है कि सभी सुरीले आर्टिस्ट जो होते हैं जिनको श्रेया घोषाल कह लो अरिजीत सिंह एंड आई थिंक द लिस्ट ऑन तो ऐसा क्या है स्वीटनेसम जोकिंग बट वट आई फील दैट इट इज दल्चर ऑफ पुटिंग पीपल इन टू आर्ट एंड वेरी सिंसियरलीटिंग लर्न एनी आर्ट फॉर्म फॉर देट मैटर

लाइक लकली इनफ माई फादर इज अ म्यूजिक टीचर एंड ऑफकोर्स ही स्टिल रन अकेडेमी ऑफ म्यूजिक एंड वहाँ पे बच्चे आते थे सीखने और डांस क्लासेस सब कुछ होता था mm -hmm. तो वो एक माहौल था ही mm -hmm. मेरे इर्द गिर्द तो मैंने वहीं से पिकअप किया एकदम शुरू का जो भी गाना बजाना था वो मैंने वहीं से पिकअप किया कि पापा सिखा रहे हैं सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के mm -hmm. लिए एंड ऑल दैट बट इवेंचुअली मैंने हुई

तो फिर ने पापा ने कहा कि तुम अच्छा गा लेती हो तुमको कहीं फिर तुम वहां जाओ जहां तुमको थोड़ा सा ना एक वो हो कि डर हो थोड़ा हाँ एग्जैक्टली सो दैट्स व्हेन आई वाज सेंड टू अ समबडी कॉल्ड मिस्टर शोभुना मुखर्जी टू लर्न माय इंडियन क्लासिकल सो वहां पे मैं कुछ ग्यारह बारह साल तक सीख सीख रही थी और मैं जस्ट फॉर द लव ऑफ म्यूजिक सीख रही थी आई नेवर थॉट कि मैं म्यूजिक ही मेरे जीवन का एक लाइक kitna बड़ा part बन जाएगा and hmm. it will become eventually my career hmm. that i was not thinking of and hmm. i don't think मेरे gharwale bhi soch rahe the iske bare mein but it just happened so. parally studies mein kisse the ab i was actually bright in studies yeah. i was ye <laughs> confusion ho jati hai parents ko ki pad bhi sahi leti hai to isko passion hi rehne denge and probably she'll pursue something. that's exactly what happened because i was uh, pursuing uh, my medicine Mm -hmm. i wanted to become a doctor. Mm -hmm. i was studying for it. i was giving my entrance exams, etc. of course, was that mm -hmm. this will academically, kuch mm -hmm. karlegi, plot twist. <laughs> but you like it. i think I, I would have become a decent doctor if i would have become a doctor. i feel so. Mm -hmm. but uh, i have no complaints with the life that i'm living now because there are very few lucky people who get to live the

Uh, क्योंकि घर में थोड़ा शास्त्रीय संगीत और hmm. लाइट क्लासिकल म्यूजिक एक्सेट्रा की वो वो प्रचलन था वो hmm. चल था घर में तो माय फादर नेवर नेवर इनकरेज मी टू लिसन टू बॉलीवुड म्यूजिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि hmm. मतलब बाबा का ये था कि ये क्या क्या सुन रहे हो तुम लता hmm. जी सुनो आशा hmm. जी सुनो तो hmm. उसके चलते मैंने बहुत लता जी और uh, मुझे अभी भी याद है कि एक पर्टिकुलर uh, एक सीरीज ऑफ कैसेट्स आती थी अनमोल रतन बोल के उसमें अभी उस समय के बहुत पुराने गाने और वो पापा ने पूरा वो बंच खरीद लिया था, था। तो हाँ तो वो वो घर में बजा ही बजा बंगाली म्यूजिक बजा लता जी आशा जी रफी साहब किशोर दा बहुत बहुत बजता था पूरा दिन घर पे बजाया वो सब गाने और मैं जाती थी मेरे दोस्तों से चुरा चुरा के जो रखे, दिल मेरा ये सब गाने का कैसेट्स लेके आती थी, थी और पापा जब घर पे नहीं होते तो, तो मैं वो सब सुनती थी <laughs> तो मेरा बहुत ही ऐसा था नहीं। नहीं। फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे जजीत जी के गजल के कसेट्स, मारा सेम, और ये सब ना उस समय और हरिहरन जी की कसेट्स और ये सब लाहौर के रंग बोल के कसेट आया था मुझे याद है अभी भी तो ये सब मैं पापा से मांगती थी पैसे की यू नो आई नीड टू गेट दिस कसेट और मैं जहां रहती थी वो सिटी कोलकाता नहीं है थोड़ा नहीं। दूर है तो मारा सिम जितना उस तरीके का म्यूजिक सुनने वाले बहुत लोग नहीं थे नहीं। ठीक है तो वो मैं वेट किया पूरा एक महीना कि वो जगजीत जी का कैसेट उन्होंने कहा कि हम लेके आएंगे कोलकाता आ, से आपके लिए आ, तो ले आए फिर मैंने सुना तो जब नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में जब थी मेरे जो दोस्त थे

उनका उनका सोच काफी मतलब ट्रांसलेट हुआ इन द थिंग्स दैट आई डिड इन माई लाइफ यू नो सो इज द रीजन दैट आई हैड डिफरेंट टेस्ट इन म्यूजिक आई एंड बाय बाई कैसेट्स ऑफ मैं जहाँ रहती थी मैं ज, जैसे स्कूल में पढ़ती थी वहां पे सिर्फ वो ही सब लाइक वेरी पॉपुलर लाइक ऑल माय फ्रेंड्स सॉन्ग्स

बट uh, जिनको आपने कॉन्शियसली सुना और सीखा uh -huh. हमने उनको सुना और एंजॉय किया हनी सिंग्स को <laughs> ग्रो होते हुए <laughs> और शायद वहीं पर हमारा हम ड्रिफ्ट हो गए hey, कि हमने कभी सच अ बिग इंडस्ट्री लाइक द इंडस्ट्री दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज सच अ सक्सेसफुल एंड अ बिग इंडस्ट्री दैट हनी सिंह एंड द जॉनर ऑफ म्यूजिक यू आर रेफरिंग टू इट इज इट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज अ ह्यूज बहुत बड़ा चंक ऑफ आर पॉपुलेशन लव्स दिस काइंड ऑफ म्यूजिक एंड व्हिच इज ग्रेट एंड आई लव इट क्योंकि मेरे, uh, गाड़ी hmm. hmm. मेरे गाड़ी में एपिडोलो बजता है हैं uh, मेरे गाड़ी में बादशाह का नया एल्बम अभी बज रहा है वाओ सो या बिकॉज़ आवर फ्रेंड सॉन्ग है दैट यू कैन रेफर टू राइट अवे सजना ओ सजना बोल के निकिता ने निकिता गांधी हैज जस्ट परफॉर्मड इन दैट सॉन्ग एंड शी हां करेक्ट सो That also Haridi has done one song with yeah, him in yeah, this made. album, yes, yeah, soulmate, and such a an amazing collaboration of lot of people in the same album. Hmm. It's a win, I feel. Like mm -hmm. you know, bahar uh, तो uh, rappers को hmm. इतना इतना बड़ा एक वो दिया जाता है और दिया जाता है। यहाँ पे भी शुरू हुआ है। It's hmm. great. There was a, there was a time when जो mainstream singers थे वो बड़ा ही ऐसा वाइब देते थे जो अरे yeah. ये रैप करता है इस तरीके की म्यूजिक तो हम सुनते नहीं सो द फैक्ट दैट अरिजीत हैज कोलैब्ड विद बादशाह सेज इट ऑल आई फील ये एक पंजाबी टू तो बंगाली है व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर आपने कोई पंजाबी गाना सुना हो या वो होता है ना फर्स्ट सर ऑलवेज दिस स्टिक इन योर हेड आई वुड आई यूज्ड टू सिंग वन सॉन्ग जो इट्स अ नेशनल एंथम है नॉट नेशनल इन एंथम लाइक पंजाबी एंथम या रिप्रेजेंटेशन यू नो विच सॉन्ग आई एम रेफरिंग टू प्लीज दो लाइनें गा दो बताना मत वो गा दो अगर आप गा सकते हो अब मैं कहीं पे जाके अगर ओ हो 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 क्या तो सब लोग ओ हो हो करते ही है ना दैट इज वन सॉन्ग दैट आई और गलत लिरिक्स के साथ गाती थी मैम कोई कोई समझ नहीं गाना प्लीज मुझे गलत लिरिक्स सुनने नहीं अभी तो गलत नहीं है बाजी सॉरी आई

या उसको मेंटेन करके जो आप अपने आगे जर्नी ट्रैवल किया उसमें स्ट्रगल हुआ आईड से दैट कि uh, जब मैं मुंबई आ गई थी उसके बाद वही एक रहता है सबका कि अब एक फिल्मों में गाना मिल जाना चाहिए you know? यही एक फिल्म अपने देश में बहुत बड़ा है फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा है फिल्म म्यूजिक इज ह्यूज एंड फिल्म म्यूज़िक ही हमारा म्यूज़िक है देखा जाए तो अभी तक के अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इंडी म्यूज़िक का सेक्ट है वो बहुत छोटा है hmm. जितने गाने हम रेफर करते हैं पूरे दिन में बचाते हैं सुनते हैं उसमें से नाइन्टी परसेंट गाने फिल्म म्यूजिक well, ही good. है Absolutely. और uh, uh, तो सबका यही एक रहता है कि फिल्मों में हम hmm. काम करेंगे फिल्मों hmm. में गाना. तो जो फिल्म का गाना जो आया जो uh, मैंने टेलीविजन चलाया और जो एड्स आती थी उसमें आया And that was the song called Bhigisi Bhagisi from Rajneeti. Mm -hmm. And that song came on uh, Katrina and Ranbir Kapoor. Mm -hmm. And uh, it was 2010. And I was already three and a half years in Mumbai. I <laughs> but that was not for that bigger project. Mm -hmm. Rajneeti was a very like a mm -hmm. dream project, etc. Bada, bada star cast. Mm -hmm. And when I saw that,

आपको आप अगर uh, जिस तरफ आप पानी बह रहा है उसके उल्टे तरफ तैरने की कोशिश करो तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे सो पीपल ट्राई टू स्विम अलोंग द स्ट्रीम बेसिकली सो एवरीबडी स्पीक अ लॉट अबाउट इट ऑल द सिंगर्स यू गो एंड पुट अ माइक इन इन फ्रंट ऑफ देम दे गिव यू अ लॉट ऑफ ज्ञान अबाउट इट बट दैट पर्सन पर्सनली नोज दैट ही ऑल्सो और शी ऑल्सो कैन गेट रिप्लेस्ड सो

अब मैंने इस चीज को ऐसा मान लिया है जो लोग खुद सिंगल सॉन्ग राइटर्स नहीं हैं जैसे हम मैं हो गई और भी जो लोग प्लेबैक करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि एक गाने पे सबसे ज्यादा हक जो वो गाना बना रहा है उसका है क्योंकि वो उसका गाना है ठीक है हालांकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि ये गाना किसके पास जाना चाहिए और कौन अच्छा लग रहा है एक डायरेक्टर ने मेरी आवाज आवाज में में सुन लिया उनको लग लग गया कि नहीं नहीं हीरोइन पे ये गाना ठीक रही है वो रिकॉर्ड होने के बाद ही पता चलता है ना क्रिएटिव hmm. प्रोसेस ऐसा ही है hmm. कि वंस इट इज रिकॉर्डेड आफ्टर दैट वन यू पुट इट ऑन द स्क्रीन यू फील किन नो आई डोंट थिंक आई थिंक अ लिटिल थिकर वॉइस वुड लुक नाइस ऑन दिस और मे बी यू नो सो इस प्रोसेस को अब कैसे कैसे ऑटोमेटेड करोगे mm -hmm. नहीं पॉसिबल है ना इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस यू नो यू विल हैव टू रिकॉर्ड समबडी यू विल हैव टू सी यू कैन रन योर इमेजिनेशन कि अंतरा कैसे लगेगी इस गाने में दैट इज ओनली योर इमेजिनेशन यू स्टिल डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू रेंडर द सॉन्ग बट आफ्टर टंस ऑफ एक्सपीरियंस अब मुझे पता है आपने गिरुआ गाया है मुझे पता है hmm. आपने मेहरमा गाया है I, of course, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की अगर इमेज देखी जाए hmm. उसकी भी कुछ नॉलेज होगी अबाउट द बेबी उनका बच्चा है सो so, क्या होता है कि वही तो मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये सब गाने तभी रिप्लेस होते हैं जब वो नहीं मैच होता इमेजिनेशन के साथ जो रेंडर हुआ है या कमर्शियल कॉल होती है कमर्शियल कॉल कई बार हो सकती है वो बहुत रेयर है बट जब ये कॉल होता है ना ये क्रिएटिव कॉल होता है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये नहीं जा रही है अब मेरे मुझे जो ऐसा लगता है कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, कि दिस इज क्रिएटिव कॉल दैट पीपल विल टेक

सो थिंग इज की आई द फैक्ट अ बिग सॉन्ग एंड साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि ये गाना दिस द इट्स अ बिग वन और वो जब रिप्लेस हुआ तो मुझे इस बात का गम नहीं कि किसी और ने गा दिया मुझे इस बात का गम रहा कि वो मेरा गाना ना हो पाया यू नो जिसने भी गाया उसको बाद में उसने बहुत अच्छा गाया उस बात का कोई मालाल नहीं होता किसी के दिल में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को दुख इस बात का होता है कि ये मेरा ना हो पाया ये दुख होता है और स्पेशली जितने भी लोगों का गाना रिप्लेस होने के बाद वो गाना जाके बहुत बड़ा गाना बना है वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द दैट ईयर बना है उसमें बहुत उसमें एक चुभन तो हम सब बहुत सेल्फिश क्रिएचर्स हैं हमारे वो तो होता ही है यार थोड़ा सा क्रिएटिव मैं अपने आप को मानता हूँ थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिल टूटता है स्पेशलीन ए सिटी लाइक बॉम्बे जहां पर वैसे ही इमोशन के लिए बहुत है, क्योंकि mm -hmm. end, और आपने अपनी जर्नी तय की है तो देर इज समारे दरवाजा तो मैं पहुंच रही हूँ ये दरवाजा आ गया एंड लाइक दिस है शायद इसलिए वो समुद्र बहुत इम्पोर्टेंट है वहां पर wherein you can possibly spend an evening or a night. Uh, city of two. dreams, it's like a dream. a dream can break any moment. you can get up from the sleep and it can absolutely vanish. Hmm. so that's why it is called city of dreams. Hmm. everything that is going to happen around you is very dreamy. Hmm. so if you are living in it, you are living in it. one day just you can just come out of the sleep and you can see that it is a dream. Hmm. so it's a magical city. things that is happening with you is magic. Hmm. and uh, so be Antara dream career in the city of dreams what is i don't know maybe i just want to keep doing good music which is going to stay with people mm -hmm. i have understood that there is very it's very easy to do a lot of music mm -hmm. but it is very difficult to do some music that is going to stay with somebody mm -hmm. you know even if even one song of mine

A song which is written by Gulzar and And that has happened. Wow. मतलब आप सोचिए गुलजार साहब मैं वो मारा सिंह की बात कर रही थी hmm. और मैं आपको कह रही थी कि ये सब गाने मैं सुनती थी उनका लिखा हुआ ये सब और क्या क्या आर्टिस्टों के साथ उनका कोलैबोरेशन रहा आर डी वर्मन के साथ उनका कोला देख लीजिए मैंने सोचा था कि एक लाइन उनका लिखा हुआ उसमें मुझे कोरस गाने भी मिल जाए ना मेरा मतलब वो एक होता है ना एक बकेट लिस्ट hmm. वो वाला वाइब था तो वो हो गया मेरे साथ में मुझे uh, मैंने काजोल के लिप, लिप पे गाना गा दिया मुझे माधुरी दीक्षित के लिप में गाया है यार कुछ तो यू नो दैट इज वन थिंग आई कि माधुरी जी के लिप पे कुछ तो कभी किसी दिन hmm.

हम लोग वो बेल्ट में खड़े हैं ठीक है और आ, मैं सबको जाके नमस्ते मैं अभी उनको बात मैं दूर से ही दो तीन बार नमस्ते हो। बहुत जेंटलमैन आदमी है। नमस्ते। उन्होंने ऐसे ही सफेद पहन के खड़े हैं। और आ, एक आम का एक बॉक्स ना इसमें आया बेल्ट में आया है? तो सडनली ही लुटट में इज लाइक या हम आपके <laughs> मैंने सर नहीं ना मतलब मैं मेरे तो मतलब गुलजार साहब बात करते हैं लगता है भगवान बात कर रहा मतलब मुझे लगता है कि भगवान की ऐसी आवाज होगी इतनी भारी कि अंतरा जी आपका ये रह गया यहाँ पे पेपर ऐसा वाला रहता है ना उनका थोड़ा सा सो सो उन्होंने आपके बहुत आपके मैंने बोला नहीं

बहुत दिनों से हमने गाना बना के रखा हुआ है hmm. अब देखते हैं वो कब रिलीज करेंगे उसको गाएंगे Achha. और रिलीज करेंगे देखते हैं hmm. so, तो आप उनसे बात करते हो आप बोल देते हो बस करो क्योंकि मुझे लगता है एक आर्टिस्ट अगर छह आठ महीने में कुछ टाइम पीरियड में वो गाना ना आए ना वो उसी के सेकंड थर्ड फोर्थ वर्जन बनाने लग जाता है अपने नो 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 अरिजीत इज नॉट एज क्या बोलते हैं ही म्यूजिकलिटी इज वास्ट मतलब वो खुद ही उस समुंदर में अभी मुझे लगता है कि तैर रहा है उसको 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 किसी भी चीज़ को रिपीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है hmm. क्योंकि वो उसके पास इतना है ना hmm. खुदा ने उसको इतना दिया हुआ है hmm. कि उसको नहीं ही रिपीट करने की ज़रूरत है मतलब वो अपने जीवन में पूरे जीवन काल में वो उतना कर ले जितना उसके वो जो समुंदर जिसमें वो है वो सारे एस्पेक्ट्स वो टच कर ले एक बार तो बहुत है हीज इज़ टू म्यूजिकल इज़ इज़ टू ब्लेस्ड आई वुड से और मतलब सदियों में एक ऐसा कंप्लीट म्यूजिशियन कभी पैदा होता होगा वो ही, वो भी वो ही, आधा पंजाबी आधा बंगाली है हाँ। <laughs> आज बहुत ही so सुरीला भी है और कमर्शियल भी है आधा पंजाबी आधा बंगाली मुझे लगता है डेडली कॉम्बिनेशन है ये बट आपको लग, कुछ लगता है कि उसके अलावा भी व्हाट इज इट के सो हर एक आर्टिस्ट का दौर आता है और फिर वो रिप्लेस हो जाता है ये दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस अरिजीत सिंह है स्टेड देर

आर्ट में दिखने लग जाती है ना आर्ट एक ऐसा चीज है ना जो फ्री फ्लोइंग नहीं हुआ ना तो वो आवाम को टच नहीं करेगी नहीं। ये आप जान लो आज के डेट दे, में ये इतिहास गवाह है इस चीज का जिनने भी कोशिश किया है ना उनका नहीं ही हो पाया है कि गाने का ट्यून सा, सारा चीज सब सारा कुछ फ्री फ्लोइंग होना पड़ेगा मैंने बहुत ही कोशिश करके एक गाना ऐसा बनाया है जो आवाम को कट कट कर देगी और फिर ढाई महीने में वो गाना कहाँ उड़ेगा किसी को पता नहीं है ठीक है तो जो भी चीजें होती है जो फ्री फ्लोइंग होती है ना इट गोज अराउंड एंड कम्स बैक टू द राइट ऑडियंस आप मेहरमा गाने की बात कर रहे हैं आपको पता है कि वो फिल्म बहुत कमर्शियल पॉपुलरिटी नहीं मिला है उसको बट वो गाने ने अपना ऑडियंस ढूंढा है Absolutely. Because उस गाने ने कोशिश नहीं किया कुछ और बनने का वो एक एकदम प्रीतम दा के जहन से निकला हुआ एक प्योर थाट है जो किसी और गाने के जैसे बनने की कोशिश नहीं था मैं ये गाना गा के आपको रुला के मानूंगा वाला वाइब नहीं था उसमें hmm. उसमें कोई कोशिश नहीं थी उसमें एक सिंपल बात थी ओ मेहरमा क्या मिला यू जुदा होके बस ऐसे नहीं अलेक्सा कैन वी प्लीज अंतरा मित्रा टू सिंह फॉर जो शोर का हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं हा तन्हा हूँ मैं दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे बोलो मगर ना बातें करूँ ये क्या हूँ मैं सब है लेकिन मैं नहीं हूँ वो जो थोड़ा था कमी वो कहाँ खो गया ऐसा क्या हो गया ओ मेहर क्या मिला यू जुदा हो के बता

you will feel all the hardship, all the hassle that you have taken. It's all worth it. Mm -hmm. That's a very, 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 very genuine feeling. Mm -hmm. Because nobody is feeding them. Nobody is telling them to do it. Mm -hmm. Nobody is going and asking them, Ki, tum ye gana suno. They have just very organically gone on their playlist and played your song. And, you know, they mm -hmm. remember your song. And, and remember, by word, they मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं भूल रही हूँ मेरे गाने mm, और mm. वो लोग सही गा रहे हैं मैंने उनको देख के गाया है ऐसा भी हुआ है सो यू नो इट्स लाइक दैट सो दैट वन एनर्जी ऑफ दैट प्योर यूथ ऑफ अर कंट्री वैन दे ऑल गैदर एंड सिंग अलॉन्ग विद यू इट्स इट्स द फीलिंग इज रियली रियली वेरी गुड इट्सिंग यस हीज माई मेंटर एंड ही इज नॉट ओनली माई मेंटर ही इज दिस वन वेरी इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री द वे द लास्ट फिफ्टीन टीव म्यूजिकेप्ड इट्स अ वेरी बिग चंक ऑफ इट इज द काइंड ऑफ म्यूजिक आप पंजाबी म्यूजिक की बात करेंगे तो प्रीतम दा ने इतना सारा पंजाब बॉलीवुड में इंक्लूड किया है ना, oh, yes. इतना सारा फ्रॉम मौजाई मौजा hmm. जो उन्होंने मेका को जो लेके आए और उसका जो एक नया जन्म कह सकते हैं आप hmm. हुआ और उसके बाद मतलब जी करदा भाई जी करदा में लव जंजुआ को मेन स्ट्रीम म्यूजिक में लाना यू नो आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस माय शो लव जंजुआ को शायद पंजाबी ही नहीं जानते हां अच्छी तरह करेक्ट और उनने क्या बड़े बड़े बॉलीवुड के गाने गाए और पंजाब मतलब पंजाबी लिरिक्स और ये सब तो बहुत बहुत दादा के गाने में आप बहुत हर जगह देखेंगे उसका झलक यू नो आई थिंक

और कि, पहली बार कितनी बड़े, बड़े, कितना मतलब बड़े, मतलब ये आ, बहुत बहुत बड़े-बड़े गाने हैं उनके पंजाबी। लिरिक्स जिन, जिन में बहुत है, मतलब हैवी पंजाबी लिरिक्स लिरिक्स जिन के साथ। नगाड़ा बजा, रंग, रंग रंगीली, आई एम श्योर दादा को आज भी नहीं पता है इसका मतलब क्या है आई एम टेलिंग एनी थिंग जो आप बैक स्टेज शो पे आने से पहले

एक बहुत ही बेहतरीन गाना जो आपने एक नई फिल्म या एक नई आवाज फेस के लिए रिकॉर्ड किया है वर्सेस अ वेरी गुड गिग ऑन स्टेज व्हाट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन स्टूडियो रियली इट्स एंड नॉट द लाइव वायर ऑडियंस गिविंग यू अ गुड इट्स अ वेरी आई नो इट दिस व्हेनेवर आई से दिस एवरीबॉडी क्वेश्चन मी बैक सेइंग दिस बट आई आई डोंट नो आई लव स्टूडियो वर्क आई लव सिंगिंग आई लव द Process of music making. I love the process. How a music director and a film director sits and discusses film, and the situation and how he's going to shoot it. If you once, if you, if you're a film buff, no, mm -hmm. you'll love that process. Mm -hmm. And that only happens in the studio. So many great minds with so much of talent and so much of, uh, you know, art in them. You know, the sitting around and talking about something. It.

मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन दिल हिल गया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैं चिकिया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी क्या अच्छा आपने ताली बजा दिया भागसी मेरे बाजों में What are you doing? चलो 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 जोगी सी जागी सी कोई राम आले अब जो भी हो आले अब जो भी हो all the best all the best fantastic fantastic <laughs> thank you so much thank you so much I think uh, ये हमारी पहली मुलाकात थी उन कैमरा and I love love the true artists जो I think हमने Uh, बहुत हद तक जाना है थैंक यू सो मच अंतरा थैंक यू सो मच एंड आई विश बहुत सारा दिल्ली का खाना आपकी किस्मत में आई विश अ लॉट ऑफ गुड शोज़, गुड म्यूजिक इन योर लाइफ एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली यू कीप कमिंग बैक टू रेडियो सिटी यस आई मस्ट एंड सच फन सेशन विद यू यूवी एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन रेडियो सिटी दिल्ली एंड आई लव्ड द एक्सपीरियंस एंड द द राइड आल्सो टिल रेडियो सिटी वाज सो नाइस आफ्टर सो लॉन्ग आई एम सी आई आर वेरी वेरी कालकाजी लिखा हुआ दिखा मुझे यार ऐसे <laughs> तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था यार यू सो मच